आपकी सोच से ही विश्वास का जन्म होता है और आपकी सोच से ही विश्वास का खात्मा भी हो सकता है। ऐसी ही एक कहानी है खुद पर विश्वास की। एक समय की बात है जब एक व्यक्ति अपने घर से बाहर बैठा मन ही मन में कुछ सोच रहा था कि उसके समक्ष भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने भगवान से एक प्रश्न किया, मुझे जिंदगी में अनेक असफलताएं मिली है, अब मैं थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, क्या मेरे जीवन का कोई महत्व है? मेरा ये जीवन इस जन्म में व्यर्थ है? मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? कृपा करें प्रभु, मुझे इन बाधाओं से मुक्त कीजिए। व्यक्ति के इन प्रश्नों को पूछने के बाद भगवान ने उस व्यक्ति को एक नीले रंग का चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करो। जब तुम इस पत्थर की कीमत का पता करके आओगे तो तब तुम्हें तुम्हारे जीवन का महत्व समझेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इस पत्थर को कभी भी बेचना मत। इसके बाद वह व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए निकल पड़ा। व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाला उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद कहता है, भाई साहब, आप 10 आम ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। जैसे कि भगवान ने पत्थर को बेचने के लिए मना किया था तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता, मुझे माफ़ कर दो भाई। फिर वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले से बोलता है, भाई, ये पत्थर आप कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला उस नीले पत्थर को भी ध्यान से देखता है और कहता है, भाई साहब, मुझसे एक बोरी टमाटर ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाता है। वहाँ जहाँ तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे, वह व्यक्ति सुनार से कहता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है? सुनार उस पत्थर को ध्यान से देखता है और देखने के बाद कहता है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपया दूंगा, ये पत्थर तुम अभी के अभी मुझे बेच दो। वह व्यक्ति सुनार से भी माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई साहब, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वह व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को एक हीरे के व्यापारी के यहाँ ले जाता है और उस हीरे के व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वह हीरे का व्यापारी उस पत्थर को पूरे 10 से 15 मिनट तक देखने के बाद एक मखमली कपड़ा लेता है और उस पत्थर को रख देता है और अपना सर पत्थर पर लगाकर माथा टेकता है और कहता है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये दुनिया का अनमोल रत्न है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर सीधे भगवान के पास जाता है और अपनी आप बीती सुनाता है और पूछता है, हे भगवान, अब आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? भगवान बोलते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, तुम किसी के लिए एक पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए एक बहुमूल्य रत्न। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत बताई, परंतु उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारा महत्व नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है जो सही समय पर निखर ही आता है। इसके लिए परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तक
हम खुद से हार नहीं मान जाते, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हमें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आप सब में अलग है और परिश्रम और धैर्य से आप अपने हुनर और व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। धन्यवाद।